यहाँ बैठी पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। आते जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग क्षत्रिया, सही बताओ तुम्हें गुस्सा किस बात पर? मुझ पे गुस्सा है, राफे पर गुस्सा है, या फिर उसके प्रपोजल पर? क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता वो मुझसे कितना छोटा है? सो व्हाट, शारिक तुमसे बहुत बड़ा था उम्र में, अब तुमने ऐसा नहीं सोचा था। अगर ये छोटा तो क्या हुआ? शारिक को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? शारिक को मैं पसंद करती थी, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तुम दो बातों को मिक्स कर रहे हो। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड। मसला यह है कि तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरी हो, उसके बाद डिवोर्स इतनी मुश्किल, आई कैन अंडरस्टैंड तुम डरी हुई हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही, जिंदगी तुम्हें दूसरा चांस दे रही है तुम उसे अवेल कर सको। कम ऑन यार, ही इज नॉट दैट बैड। आखिर तुम नहीं समझ पा रहे, लोग क्या कहेंगे? क्या हो गया तुम्हें यार, तुम तो ऐसी लड़की नहीं जो ये सोचेगी कि दुनिया क्या कहेगी। कमाल है, क्योंकि मैं उसे पसंद ही नहीं करती। तो जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को पसंद ही नहीं करता तो शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसकी कंपनी एंजॉय करती हो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम उसके साथ, यू आर ओके विद हिम। हाँ आई अंडरस्टैंड कि शायद तुमने उसको इस नजरिए से नहीं देखा होगा, फाइन। सुनो, आई एम टेलिंग यू, इज अ नाइस बॉय, अगर उसमें कोई गलती नजर आएगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हें आंदा कभी नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारा भला तो नहीं सोचूंगा कभी। प्लीज मेरी बात पे गौर कर, बाकी इट्स योर चॉइस।